जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ फहद इफ्तिखार फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्प रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो अल करीम सिटी के बारे में है। सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि अल करीम सिटी बेसिकली रैवन रोड के एक अच्छा प्रोजेक्ट है, और अगर इसको मैं रेफरेंस से आपको बताऊँ तो रैवन रोड पर एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार प्रोजेक्ट है किंग्स टाउन। तो किंग्स टाउन को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आपके राइट साइड पर अल करीम सिटी की लोकेशन आपको मिल जाती है। और बेसिकली बहुत से लोग किंग्स टाउन के बारे में अगर नहीं जानते तो उनके लिए भी मैं उनकी रहनुमाई कर देता हूँ कि मेन रैवन रोड पे बहरिया ऑर्चर्ड के बारे में तकरीबन हर कोई उसके बारे में जानता है। बहरिया ऑर्चर्ड का जो फेज़ वन है, आप उसे क्रॉस करते हैं तो आपके लेफ्ट साइड पर एक हायर फैक्ट्री आती है। हर फैक्ट्री की बाउंड्री के साथ बिल्कुल किंग्स टाउन की बाउंड्री है, और किंग्स टाउन जो कि अल कबीर डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है उसको थोड़ा सा हम क्रॉस करते हैं, ट्रैवल करते हैं रैवन रोड पे, तो आपके राइट साइड पे आपको अल करीम सिटी देखने को मिलता है। तो बेसिकली आज की जो वीडियो का मकसद है वो ये है कि आपको अपडेट करना था कि अल करीम सिटी पे बहुत से लोगों ने हमसे रब्ता भी किया, बहुत से लोग इसको पसंद भी करते थे और बहुत से लोग इसको पसंद नहीं भी करते थे, क्योंकि डेवलपर को इतना अच्छा नहीं था, वो इतना खास नहीं था। तो लोगों का सबसे पहले यही कंसर्न होता है कि डेवलपर कौन है और यहाँ पर हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या रिटर्न मिलेगा, हमारे पैसे फंस तो नहीं जाएंगे, हमारे पैसे लटक तो नहीं जाएंगे अगर यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इस वजह से आपने वैसे हमारे चैनल पे इसकी पहले कोई वीडियो नहीं देखी होगी, लेकिन अब वीडियो करने का मकसद ये है कि अल करीम सिटी को अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यूनियन डेवलपर्स ने ऑन कर लिया है, यूनियन डेवलपर्स ने बाय कर लिया है, इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल इसके नाम समेत ख़रीद लिया है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे आप देखेंगे अब इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी बड़ा ज़बरदस्त होगा, और यहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह वो फ़ायदा भी हासिल करेंगे, क्योंकि जो डेवलपर होता है वो बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा उसकी वर्थ होती है, क्योंकि डेवलपर पर ही डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कामयाब होगा या नाकाम होगा। अगर आपका डेवलपर जो है वेल नोन डेवलपर है, उस पर किसी भी किस्म के एलिगेशन नहीं है, उसने डिलीवर किया है, लोगों के साथ वादे जो किए हैं वो पूरे किए हैं, वक्त पर उसको वादों को निभाया है, तो फिर आपके जो डेवलपर पर लोग ट्रस्ट करते हैं, इन्वेस्टर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, और जितना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट होता है आपको उसका अच्छा रिटर्न मिलता है। तो बेसिकली यूनियन डेवलपर्स कौन है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। मेन रावन रोड पर ठोकर न्याज बेग से सबसे करीब तरीन एक हाउसिंग सोसाइटी है इतिहाद टाउन। तो इतिहाद टाउन के बेसिकली जो डेवलपर्स थे, यानी कि इतिहाद टाउन को जिन डेवलपर्स ने डेवलप किया वो यूनियन डेवलपर्स थे, यानी कि इतिहाद टाउन के जितने भी वहाँ पे डेवलपमेंट्स आप देखते हैं, वहाँ का जो मैार देख रहे हैं, वहाँ का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसको बेसिकली यूनियन डेवलपर्स ने डेवलप किया। यूनियन डेवलपर्स एक बहुत ही अच्छे डेवलपर हैं, और इनका एक अपना ज़ाती प्रोजेक्ट भी है जो कि इस वक्त जिया बगा रोड पर है लिबर्टी लैंड्स के नाम से। तो यूनियन डेवलपर्स का जो अपना कामयाब प्रोजेक्ट है लिबर्टी लैंड्स के बारे में भी आप लोग जानते हैं, जो हमारी वीडियोज़ देखते होंगे, हमने लिबर्टी लैंड्स पर भी वीडियोज़ की हैं, बहुत से लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्ट भी किया होगा। लिबर्टी लैंड जो कि एक डिमांडिंग प्रोजेक्ट रहा, जैसे ही इसको लॉन्च किया गया तो यहाँ पे लोगों ने प्री लॉन्च रेट्स पे जब बुकिंग करवाई, तो जैसे इसके लॉन्च रेट्स आए तो बहुत से लोगों ने फ़ायदा हासिल किया और बहुत से लोगों ने प्रॉफिट हासिल किया। तो बेसिकली यूनियन डेवलपर्स जो कि इतिहाद टाउन के डेवलपर थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया जो कि लिबर्टी लैंड के नाम से था, जिया बगा रोड पर, और इस वक्त वो रैवन रोड पर एक अपने ज़ाती प्रोजेक्ट के मालिक बन चुके हैं, और वो है अल करीम सिटी। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए कि जो कि किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी नए डेवलपर के साथ काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर यहाँ पे कोई बुकिंग्स आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करके हमारे साथ लाइनअप हो जाएं, क्योंकि इंशाल्लाह जैसे ही यहाँ पे कोई डील अनाउंस की जाएगी बर वक्त हम आपको अपने यूट्यूब चैनल से आगाह करेंगे, आपको गाइड करेंगे, और यहाँ पे जो भी अवेलेबिलिटी आएगी, ख्वाह वो 3 मरला 5 मरला की हो या किसी भी साइज़ के कैटेगरी के प्लॉट्स हो, इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए जस्ट आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर लें, और हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी मौजूद है, आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करके लाइनअप हमारे साथ हो सकते हैं, क्योंकि जैसे डील लॉन्च होगी इंशाल्लाह हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी आगाह करेंगे और अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू भी आगाह करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक हमेशा वक्त से पहले पहुँचें, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इस छोटी सी अपडेट के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।